एमपी में शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग और पुलिस की महिला कर्मचारियों को बैठने को लेकर विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार के इस फैसले पर हमले कर रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसके विरोध का अनोखा तरीका भी अपनाया है। उन्होंने पहले तो शराब की दुकानों पर प्रदर्शन किया और उसके बाद शराब खरीदने आए लोगों को दूध बांटा। एक संदेश देने का प्रयास किया है। जब मुख्यमंत्री जी मदमस्त हो चुके हैं और अपनी सत्ता में चूर हैं और सुनने को तैयार नहीं है, बार बार अनुरोध के बाद मैंने उनसे कहा था कि शराब की दुकानों की आवश्यकता नहीं है, यह महामारी दुनिया में फैली हुई है और सब समझ रहे हैं आसमान वाले की देन है ये, वो हमसे नाराज है, तो उसको मनाने के लिए धार्मिक स्थल खोले जाएं, लेकिन मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने प्रयास करा, उसके बाद हद हो गई कि हमारी भांजियों से बिकवाया जा रहा है। मतलब तो बिल्कुल स्तर गिर गया, मतलब सरकार का इतना स्तर गिरेगा ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मध्य प्रदेश आज शर्मसार हो रहा है। तो हम लोग विरोध कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर सरकार नहीं मान रही तो जो लोग शराब लेने आ रहे हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि आप शराब नहीं लो, आप दूध पियो, हम दूध बांटते हैं आपसे। अब जनतांत्रिक यही विरोध किया जा सकता है कि आप शराब ना लो, आप तो दूध पियो। आपको बता दें कि भोपाल में लॉकडाउन के बाद जब शराब की दुकानें खुली तो कुछ दुकानों पर आबकारी विभाग की महिला अधिकारियों को तैनात किया गया। ये अफसर शराब बिक्री की देखरेख कर रही है। दरअसल शराब ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस सरेंडर कर देने के बाद 90 में से 32 शराब दुकानों का संचालन आबकारी विभाग ही कर रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।